पानी को हम स्टोर करें, किस तरह? टैंक्स में, डैम्स में और कैनाल्स में, और या फिर हमारे जो रिवर्स हैं उसमें भी हम जो है वो पानी जो है बारिश का पानी हमें रिवर्स के जरिए भी मिलता है। वेल्स आर द लार्ज होल ड्रग इन द ग्राउंड टू पंप वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड। वेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एरिया डेट डू नॉट हैव रेन्स। कुएँ जो हैं, हमारे कुएँ जो हैं वो उन इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जहाँ पे बारिशें नहीं होती या रिवर नहीं है। और ये कुएँ कहाँ से पानी जमा करते हैं? हमारी रेन के जरिए। इन बलोचिस्तान वेयर इट इज़ अ वेरी ड्राई द पीपल यूज वेल एंड अंडरग्राउंड कैनाल टू ब्रिंग वाटर टू द सरफेस। दिस सिस्टम इज कॉल्ड कार्स एंड हैज़ बीन यूज फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर। द वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड क्रॉप्स। बलोचिस्तान में हम लोग जो है पानी किस तरह स्टोर करते हैं? कार्स के जरिए। ये हमारे एक तरीके का एक प्रोसेस है जो हमारे पानी जो है हम अंडरग्राउंड जमा कर लेते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है जो हमारे बलोचिस्तान में इस्तेमाल होता है पीने के लिए और फसल उगाने के लिए। मूव ऑन टू पेज नंबर 15। डैम्स। अ डैम्स इज़ अ थिक ली A dam is a thick wall built across a river and or a lake to hold the water back. Water can be let out of the dam when it is need. हमारे डैम्स क्या होते हैं? एक थिक मोटी, बहुत मोटी वॉल यानी दीवार बनी हुई होती है रिवर के आसपास, उसको हम क्या कहते हैं? डैम्स। The water the dam hold back from the lake. We can use this water for drinking, produce electricity, hydroelectric power, growing crops, irrigation and fishing. People can use the lake for boating and fishing. Dam can also help to control flooding. Pakistan has many dams. The largest Sarbela dam on the Indus River. The Hub dam provides drinking water for the people of Karachi and irrigation water for the farmer of Balochistan. अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये डैम हमारे किस किस तरह काम आता है, इस डैम के ज़रिए हम क्या क्या चीज़ें फ़ायदे उठाते हैं। पानी मिलता है हमें पीने के लिए, बिजली हमारी बनती है और इससे हम लोग इस डैम में फिशिंग भी लोग करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तरबेला डैम, जो इंडस रिवर पर बना हुआ है। कराची को जो डैम पानी प्रोवाइड करता है पीने का, उसका नाम क्या है? हब डैम। और ये बलूचिस्तान में फसलें उगाने के लिए भी काम आता है। मूव ऑन टू पेज नंबर 16। द बिल्डिंग ऑफ डैम कैन कॉज प्रॉब्लम। अब हम पढ़ेंगे कि डैम्स की क्या क्या नुकसान हैं। सॉलिंग इरीगेशन, व्हेन वाटर इज रेज फ्रॉम द डैम इट फ्लो वेरी फास्ट एंड दिस इज द वर्स Where erode the run, can stop the fishing from laying eggs. Some fishes can no longer swimming upstream to lay their fish eggs. Danger of blasting, if a dam is blast, the water can kill animals and pupils. It can be destroy homes from this happen. In February 2005, when the Shakardan Dam in Balochistan burst due to the flooding caused by the very heavy rain. Sometimes the whole villages have to move in order to build the dam. When the Tarbela Dam was built, 135 villages are covered by the water and 96,000 people had to find new places to live. डैम्स को बनने के क्या क्या नुकसान हैं? इससे क्या होता है, कभी कभी जो है कुछ मछलियाँ जो हैं जो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकती, वो अपने अंडे नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उनकी नस्ल को नुकसान पहुँच जाता है। अगर ये डैम हर टूट जाए या एकदम से ब्लस्ट हो जाए इनमें, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, जानवर मर जाते हैं। जैसे 2005